नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, मेडिकल डिपार्टमेंट ने समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज निदेशक, समस्त CMHO और PMO को पत्र लिखते हुए नवीन भर्तियों हेतु रिक्त पदों की सूचना यहाँ पर मांगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 14 सितंबर 2023 के माध्यम से 342 नंबर एक लेटर निकाला है, जिसमें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3 जनवरी 2023 का रहवाला यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, वर्तमान में 5 से 6 कैडर की जो भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विभाग में के निम्नांकित पदों हेतु भर्तियों का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा चयनित योग्य अभ्यर्थियों को राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति और पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, जो करीब 8 कैटर की जो भर्तियाँ, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, लैब टेक्नीशियन हो, सहायक रेडियोग्राफर हो, डेंटल टेक्नीशियन हो, नेत्र सहायक हो या ECG टेक्नीशियन हो, इन सभी को जो नियुक्ति है इस बार से राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। मैं बता दूं, पिछली जो नियुक्ति मेडिकल ऑफिसर को दी गई थी वो भी राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दी गई थी। अतः इन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य हेल्थ पोर्टल पर विभिन्न RNM वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त पदों के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण निर्देशानुसार सही अपडेशन नहीं किए जाने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा तथा नियुक्ति और पदस्थापन जो कार्य है वो बाधित हो रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि 25 सितंबर तक आप राज हेल्थ पोर्टल पर जो पद हैं उनको मैप और अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की अपूर्ण त्रुटि युक्त सूचना मैप या अपडेट किए जाने में किसी भी स्थिति में अगर आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा आपके जिले द्वारा मैप नहीं किया जाता है तो नवीन अभ्यर्थी अलॉट नहीं किए जा सकेंगे। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर, 25 सितंबर तक अब यहाँ पर राज हेल्थ पोर्टल पे एक बार फिर से अपडेशन का कार्य चालू होगा और 25 सितंबर आपको लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि कोई जो सूचना है अपूर्ण रहती है, त्रुटियुक्त रहती है, सजा सूचना मैप या अपडेट किए जाने में कोई यहाँ पर गलती होती है तो आप खुद उत्तरदायी होंगे और आपके ज़िले में किसी भी प्रकार का कोई नवीन जो अभ्यर्थी है वो अलॉट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि भर्ती की कार्य की महत्ता के मद्देनज़र उक्त सारणी में वर्णित पदों की सूचना निम्न प्रपत्र में 15 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक मेल ID dmhs.tcng@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी व हार्ड कॉपी में भिजवाए। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, प्रत्येक पद की जो सूची है वो पृथक-पृथक तैयार करनी है, जिसमें संभाग का नाम, जिले का नाम, चिकित्सा संस्थान का नाम, पद का नाम, स्वीकृत कार्यरत रिक्त पद और विशेष विवरण। साथ ही इन्होंने कहा यदि रिक्त पद के से किसी अन्य कार्मिक का वेतन विवरण जो वेतन आरण हो रहा है तो उसका भी जो विशेष विवरण में जो टिप्पणी है वो अंकित करनी होगी। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर जो अलग अलग जो सूचनाएँ हैं वो यहाँ पर मांगी है। साथ ही जो प्रत्येक जो सूचना है प्रत्येक पद के लिए वो अलग अलग फॉर्मेट में तैयार की जाएगी, जिसमें संभाग, जिला, चिकित्सा संस्थान का नाम, पद का नाम, स्वीकृत कितने, कार्यरत कितने हैं, रिक्त कितने हैं और विशेष विवरण। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, करीब 8 जो कैडर हैं जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, ECG टेक्नीशियन की जो भर्ती प्रक्रियाधीन है और इन्हीं की जो पोस्टिंग है वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। तो अतः 25 सितंबर तक राज हेल्थ पोर्टल पर डेटा अपडेट करने और 15 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे तक जो सूचना है अलग अलग पदों की यहाँ पर मांगी गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।